तो कोई भी दूसरा एक इन शॉर्ट एडिटिंग ऐप है तो वो एडिटिंग ऐप ओपन करके देन uh, जो भी वीडियो अभी बनाया तो वो उसका सेव करना है yeah. तो कैनवास में जाके वी हैव सेलेक्ट द बैकग्राउंड या फिर कैनवास में जाके साइज सेलेक्ट करते यूट्यूब का जो भी ये करना है वैसे तो फिर बैकग्राउंड एक कोई तो फोटो लेके रख सकते या फिर इसको क्रॉप कर लेना पूरा जो सिर्फ ब्लू और ये तो वो ब्लू उतना साइड से सब जगह क्रॉप करके इसको साइड में ले लो लोड इसके इतना साइड में हो और सेकंड फिर उधर से दूसरा वाला और फिर वहां से दूसरा वाला दूसरा एक जो क्रिएटर किए थे उसको भी इसमें आने का सेम प्रोसेस करके फिर इसमें बैकग्राउंड में जाके एक पीछे कार्टून का या फिर ऐसे कुछ वीडियो नहीं कार्टून का इमेज ऐड करने का दोनों तरफ कार्टून का ये करने का अभी इसमें क्या है दूसरा अगर लेना है तो उसको पी में जाना है पी आई पिक्चर इन पिक्चर तो वहां पे जाके दूसरा सेलेक्ट करने का और इसको स्टार्टिंग से या फिर जहाँ से अपने को एडजस्ट करना है नहीं वहाँ से रखने का फिर इसे भी क्रॉप कर लेने का साइड वाइज पूरा पूरा ऊपर नीचे से साइड में क्रॉप करके फिर उसे भी थोड़ा रिसाइज करके बड़ा कर लेने का और बैकग्राउंड मतलब एक इस रिसाइज करके बड़ा कर लेने का बाद में से उंड जान। में जाने का बैकग्राउंड में जासे एक कार्टून का, तो कार्टून का एक इमेज जो डाउनलोड करे रहते वो इमेज सेटिंग कर लेने का और वो दूसरा इमेज भी इधर आ जाता और ये होने के बाद फिर एक ऑप्शन है क्रोमा करके क्रोमा कटआउट कटआउट ऑप्शन में मिलता है क्रोमा करके तो वहां पे जाके ब्लू जो है ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन जो भी है वो एडिट कर सकते हैं है वीडियो का तो वो सेटिंग करने को ये पीआईपी में इसका ओके okay कर देने का फिर फर्स्ट वीडियो जो इसमें है तो उधर भी पी आई को ये करने का उधर भी दे लो शायद तो बैकग्राउंड ये हो गया और ये दोनों जब भी तो मेरा वो लिफ्ट का वीडियो प्ले करते दोनों ऐसा होता और ऑडियो के ऑप्शन में ऑडियो जाके ऑडियो फिर सिंक्रोनाइज कर छोड़ने का फैक्ट लगा को या फिर ये तो ऑडियो ऑप्शन लगा दिए तो खत्म फिर